हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं मिसेस शर्मा महाराष्ट्र से आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शोमा पाठक मैडम, उनके बारे में कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, मेरे भी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अगर मैं अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँ तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग गुड एजुकेशन और इंस्पाइट ऑफ हैविंग गुड एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं मैं अपने करियर में सेटल डाउन नहीं थी। और जिस मतलब कभी कभी सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी, तो कभी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम रहता था, तो कुछ ना कुछ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी चीज़ों को लेके। तो फिर फाइनली मुझे मेरे किसी के रिलेटिव के थ्रू मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी मास्टर शोमा पाठक मैम के बारे में मुझे पता चला। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मेरा मैंने जब उनसे मेरा जो भी डिटेल्स था वो सब शेयर किया है, डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग। तो उससे रिलेट वो जब मैंने शेयर किया, उन्होंने मेरे बारे में सारे प्रेडिक्शंस जो भी थे सब उन्होंने मुझसे शेयर किए। उसमें से मैं तो बोलूँगी 90% जो भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसी से मुझे उनका आइडिया हो गया कि उनका प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है। तो उस प्रेडिक्शन के हिसाब से उन्होंने मुझे कुछ चेंजेस करने बोले, उन्होंने मुझे कुछ क्रिस्टल्स सजेस्ट किए जो मैं अभी भी पहनती हूँ। और उन्होंने मुझे मेरे नेम के स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करने बोले, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो उन्होंने उनके जो भी रेमेडीज़ थे वो रेमेडीज़ मैंने फॉलो किए हैं, जितना हो सके मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ वो जो भी बोलते हैं। उससे मुझे मेरे मैं सबसे ज़्यादा जो करियर को लेके जो परेशान रहती थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ में मैं सेटल डाउन हुई हूँ। मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिला है। मेरा एक छोटा बेबी है जो 2.5 ईयर ओल्ड है, तो मैं एक्चुअली उसी को लेके परेशान रहती थी कि अगर मैं वर्किंग रहूँगी तो मैं इसके तरफ कैसे ध्यान दूँगी, मैं अगर ऑफिस जाऊँगी तो, बिकॉज़ कोविड ख़त्म होने के बाद अभी सारे ऑफिस स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे रिज़ाइन कर देना पड़ा था मेरे कंपनी से। तो मैं मैम से हमेशा टच में रहती थी कि मैम मुझे मैं अभी कैसे करूँगी, मुझे जॉब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफकोर्स मैंने इतना एजुकेशन जब पढ़ाई की है तो जॉब इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मुझे लकीली आई गॉट अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी विद अ गुड डिसेंट पे स्केल एंड कंपनी इज़ ऑल्सो गुड। आई एम लाइकिंग माई वर्क, ऑल्दो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स है जो चलते रहते हैं। मैं मैम से शेयर करती हूँ, वो मुझे जो भी रेमेडीज़ बोलते हैं मैं करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये हो गया करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं अपना दूसरा बोलूँ तो मुझ में थोड़े बिहेवियरल इश्यूज थे, एज इन मैं बहुत जल्दी मुझे मतलब एंगर मैनेजमेंट जो रहता है, एंगर में तो सभी में होता है गुस्सा, बट मेरे में जो था एंगर मैनेजमेंट जो चीज़ थी ये बहुत कम था, जिस वजह से मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे मेरे क्लैशेस होते थे बेवजह। और बाद में मैं उस चीज़ को सोच के बहुत रिपेंट भी करती थी, अफसोस करती थी, बट वो कहते हैं ना कि जो एक बार मुंह से निकल गया वो वापस हम नहीं ले सकते, वी कैंट टेक आर वर्ड्स बैक। तो वो इश्यूज रहते थे। तो मैम ने मुझे जो भी बोले हैं रेमेडीज़, जो भी है क्रिस्टल्स, मुझे जो भी उन्होंने बोला आप पहनो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो एक्चुअली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं अभी अपना मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरे बिहेवियर में इतने चेंजेस आए हैं, मैं पहले से काफ़ी दिमाग मेरा शांत हो गया है। मैं पहले बहुत इम्पेशेंट रहा करती थी, अभी मेरे में काफ़ी पेशेंस आ गया है और मैं खुद को काफ़ी सुलझा हुआ महसूस करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, शोमा पाठक मैम से कांटेक्ट में आने के बाद मुझ में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन्स सभी के लाइफ में होते हैं, राइट, बट आप उस चीज़ों को ओवरकम कैसे करोगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बट मेरा अभी इतना पॉजिटिव हो गया है कि मुझे पता है कि चैलेंजेस है मेरे लाइफ में, अभी भी आगे भी रहेंगे, बट मुझे इतना भरोसा है कि उस चैलेंजेस को मैं अच्छे से ओवरकम कर पाऊँगी। तो ये सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा हुआ है।
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी गाइस कि आप, बहुत लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आई यूज टू बिलीव कि भगवान में मुझे काफ़ी बिलीव था, यूनिवर्स में एंड ऑल, बट मैम के कॉन्टैक्ट में आने के बाद मेरा जो भरोसा और डबल हो गया है। और पॉजिटिविटी लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।